हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है बीएसएफ, जी हाँ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जो आप लोग की वैकेंसी निकली हुई है कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए, हेड कांस्टेबल एएसआई एसआई के लिए आप लोग की जो वैकेंसी निकली है, इसकी जानकारी आज मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, ऐसी कोई जानकारी मेरे को अभी तक नहीं थी कि बीएसएफ में आप लोग के लिए वैकेंसी आई हुई है। यदि ऐसा कुछ होता तो मुझे इसकी पहले ही इन्फॉर्मेशन लग जाती, लेकिन आज मॉर्निंग में मेरे एक स्टूडेंट का जो है मेरे पास मैसेज आया कि सर बीएसएफ में वैकेंसी निकली हुई है क्या कांस्टेबल वगैरह की। तो मैंने तो यही कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, शायद फेक है, आप लोग को अभी तक ऐसी कोई वैकेंसी नहीं आई है, सब फेक है। लेकिन जब उसने ये कहा और कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आए कि सर बीएसएफ में वैकेंसी आई हुई है और वेबसाइट पे भी जो वैकेंसी शो हो रही है, तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया। मैंने तुरंत वेबसाइट ओपन करी और वेबसाइट ओपन करने के बाद आप लोग देखेंगे कि मैंने यहाँ पे क्या देखा। तो आप लोग देखेंगे ये बीएसएफ की मैंने वेबसाइट ओपन कर रखी है, वेबसाइट में जो रिन्यूअल का काम चल रहा है, जी हाँ, काफ़ी इसमें चेंजेस कर दिया गया, बिल्कुल ही यहाँ पर चेंजेस कर दिया गया और अभी भी यहाँ पर कुछ ना कुछ चल रहा है। तो जैसे आप लोग देखेंगे यहाँ पर भर्ती वाले यहाँ पर ब्लॉक में आएंगे आप लोग, तो भर्ती में यहाँ पे आप लोग कई भर्तियाँ एक साथ निकाल दी गई हैं। क्या है ये भर्ती, कोई किसी प्रकार का कोई क्लिक यहाँ पे नहीं हो रहा है, जी हाँ बिल्कुल शांत है ये, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। चलिए हम जैसे ही सभी देखे पे क्लिक करेंगे तो आप लोग को जो है पूरी रिक्रूटमेंट की जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। जी हाँ, कौन कौन सी रिक्रूटमेंट आप लोग की चल रही है, पूरी रिक्रूटमेंट आप लोग को यहाँ पे शो हो रही है। सबसे पहले आप लोग की इंजीनियरिंग कैडर में कुछ वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, एएसआई ड्राफ्टमैन, एससी टेक्नीशियन, कांस्टेबल ट्रांसमेंट, कारपेंटर, मेसन, एएसआई ड्राफ्टमैन, एसएसी वर्क और कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक की आप लोग की इसमें वैकेंसी निकली हुई है। तो इसी प्रकार से आप लोग की जो ये आप लोग की इंजीनियरिंग कैडर के लिए थी रिक्रूटमेंट ग्रुप सी इंजीनियरिंग कैडर, जी इंजीनियरिंग कैडर में ही आप लोग की ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट भी निकली हुई है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे जो पोस्ट निकली हुई है एएसआई ड्राफ्टमैन की है, प्लम्बर, कारपेंटर, मेसन, सीवरमैन का और आप लोग की जनरेटर मशीन, लाइनमैन, जनरेटर ऑपरेटर, इस प्रकार से जो है आप लोग की इसमें काफ़ी वैकेंसियां निकली हुई हैं। इसके अलावा आप लोग जैसे ही नीचे आते हैं तो नीचे आप लोग देखेंगे एयर विंग में भी आप लोग की वैकेंसी निकली हुई है। एयर विंग में आप लोग की जो 22 वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें कि आप लोग की एएसआई असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मशीनिस्ट की और एएसआई असिस्टेंट एयरक्राफ्ट रेडियो मैकेनिक की आप लोग की यहाँ पर जो निकली हुई है वैकेंसी। तो मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पे जो भी वैकेंसी निकल रही है इसमें आप लोग को व्यू का ऑप्शन भी आ रहा है और ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन भी आ रहा है। मीन्स आप लोग जो है वैकेंसी को देख भी सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को ग्रुप बी की पोस्ट है, इंजीनियरिंग कैडर में ही आप लोग की वैकेंसी है, एसआई वर्क में और इसके अलावा जेई एसआई इलेक्ट्रिकल में आप लोग की वैकेंसी है। जी हाँ, जेई की वैकेंसी है, 52 वैकेंसी है, व्यू करने पे आप लोग देख सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी को मैंने बारी बारी से यहाँ पे ओपन कर रखा है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो है आप लोग की इंजीनियरिंग कैडर में वैकेंसी जो निकली हुई थी, इसमें आप लोग की एएसआई की वैकेंसी है, ठीक है, कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भी इसके अंतर्गत वैकेंसी है, एएसआई ड्राफ्टमैन की भी वैकेंसी है। ये वैकेंसी आप लोग की 1 अक्टूबर 2020 से चल रही है, जो कि 15 अक्टूबर 2020 को ही ये वैकेंसी समाप्त हो जाएगी, लेकिन अभी तक किसी को इसकी जानकारी ही नहीं है कब वैकेंसी निकली और कब इसकी डेट समाप्त होने वाली है। तो चलिए इसके बारे में आप लोग को बताऊँगा और आप लोग को जो है इसमें कुछ डाउनलोड वगैरह, यानी कि आप लोग कुछ अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ अपलोड किए गए हैं, मीन्स यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए हैं वो जो है वेंडर से रिलेटेड, यानी कि जो इसकी आप लोग की बोली वगैरह लगी होगी उससे रिलेटेड आप लोग की है, ठीक है, वेंडर कंपनी के नेम में 3 कंपनी ने जो यहाँ पे वेंडर वगैरह जो भी बोली वगैरह लगाई होगी। तो ये वैकेंसी मैं आप लोगों को बता दूं, ये वैकेंसी क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है और वैकेंसी कब से चल रही है किसी को खबर ही नहीं है। तो देखिए, यदि वैकेंसी रियल मीन्स रियल होती, देखिए मेरा ये कहना नहीं है, वेबसाइट पे है तो सब कुछ रियल है, क्योंकि सभी का यही कहना है कि वेबसाइट पे है, आपने मैंने जिससे भी पूछा सबका यही कहना है वेबसाइट पे है तो वैकेंसी है, वेबसाइट पे है तो वैकेंसी है, इसका क्या जवाब है। तो लेकिन यदि वेबसाइट पे है रियल है, लेकिन इस वेबसाइट में मैं आप लोग को बता दूं मेंटेनेंस का काम चल रहा है और ये जो वैकेंसियां हैं किसी ना किसी कारणवश जो है पहले रोक दी गई हैं, और ये हो सकता है कि आप लोग की ये वैकेंसियां निकाली जाने वाली हों, उसके ऊपर प्रोसेस चल रहा है, लेकिन जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जी हाँ, इसके ऊपर पूरी तरीके से अभी पूरी तरीके से ये अपलोड नहीं किया गया है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे डेट वगैरह यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी है,
जो कि पहले की डेट शो कर रहा है 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर, यानी कि वैकेंसी पहले से चल रही। तो मैं आप लोग को बता दूं, यदि कोई वैकेंसी इस प्रकार से कोई डिपार्टमेंट निकालता है, BSF, CISF, CRPF, कोई भी आप लोग की वैकेंसी निकालेगा, तो इसका बकायदा आप लोग को एडवर्टाइजमेंट मिलेगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, और इसके अलावा नोटिस वगैरह आप लोग को पूरी मिलेगी। इसके अलावा आप लोग को जो है डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट भी आप लोग को मिलेगा। तो जैसे कांस्टेबल ट्रेड्समैन की ये पोस्ट है, इसमें आप लोग को डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, ऑप्शन यानी कि ओपन नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो है एरर शो कर रहा है। तो अभी जो है ये वैकेंसियाँ आप लोग की नहीं चल रही हैं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है। आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो ऑनलाइन अप्लाई भी आप लोग नहीं कर पाएंगे। किस रीजन से ऐसा हो रहा है, कौन सी वैकेंसियाँ हैं, वैकेंसी पुरानी हैं या फिर नई आने वाली हैं किसी समय में, इसकी जानकारी आप लोग को बाद में मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग की वैकेंसी 24 सितंबर से चल रही है और किसी को भी वैकेंसी की जानकारी ना हो। जी हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं आप लोग को उसका नोटिफिकेशन, नोटिस वगैरह ज़रूर मिलता। तो ये वैकेंसियाँ 24 सितंबर से नहीं चल रही हैं, 23 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट नहीं रहने वाली है। कोई यहाँ पे आप लोग को डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है, और इसमें आप लोग कुछ चीज़ें आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जैसे सीटी ट्रेड्समैन टेलर के लिए जो एज रखी गई है 18 से 19 साल रखी गई, 18 से 23, 18 से 19, 18 से 23, 18 से 19, क्या मतलब है इन सब चीज़ों का, क्या मतलब है 18 से 19, 18 से 23, 18 से 19, और मिनिमम और मैक्सिमम एज 18 से 19 होती है, किसी पोस्ट पे 18 से 23, किसी पोस्ट पे 18 से 19। तो ये सारी की सारी जो है एरर शो कर रही है। जी हाँ, एरर शो कर रही है, यानी कि जो वेबसाइट में एरर है, या तो उसके ऊपर कुछ काम चल रहा है, या फिर जो इंटरनल जो चीज़ें हैं उसको जो है पब्लिकली कर दिया गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अभी आप लोग इस पर यदि ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे किसी भी तरीके से। जैसे मैं यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई के बटन पर क्लिक करूँगा, मोबाइल नंबर डालूंगा, OTP सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोग चाहें दिन भर OTP सेंड करते रहिए, OTP आप लोग के पास नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यही है कि वेबसाइट पर कुछ ना कुछ एरर चल रही है। यदि इसकी रिक्रूटमेंट होती तो इसकी कोई ना कोई नोटिस आप लोग को ज़रूर जारी किया गया होता। रिक्रूटमेंट जो आप लोग की BSF में चल रही है, जी हाँ, ये जो ग्रुप सी और इंजीनियरिंग कैडर की जो वैकेंसी निकली हुई है, ये वैकेंसी BSF में निकली है। लेकिन BSF में ये वैकेंसी पहले की निकली हुई है, आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ। आप लोग ये देखिए, ये मेरे पास एक नोटिस पड़ा हुआ है जो कि पुराना है, मैंने इसके ऊपर आप लोग को एक वीडियो भी बनाया था। यदि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आप लोग को इसकी जानकारी होगी। तो आप लोग ये देख सकते हैं, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आप लोग की जो ये वैकेंसी का सर्कुलर जारी किया गया था 29 जुलाई 2020 को जो है आप लोग को इसका सर्कुलर जारी किया गया था। ग्रुप बी और ग्रुप सी की आप लोग की पोस्ट थी, लेकिन जो ये पोस्ट है ये आप लोग की डेपुटेशन बेस पे है, BSF के इंजीनियरिंग में और NDRF BNS में, यानी कि नेशनल डिजास्टर में जो आप लोग की ये वैकेंसी निकली हुई है, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आप लोग की जो है इंजीनियरिंग कैडर में। तो इसमें आप लोग की सभी वैकेंसियां निकली हुई हैं, इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है आप लोग की। इसके अलावा आप लोग की सब इंस्पेक्टर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल में, और आप लोग की वर्क में एक्सपीरियंस वर्क में निकली हुई है जैसी की वैकेंसी आप लोग को यहाँ पे निकाली गई है। जी हाँ, आप लोग को यहाँ पे भी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकाली हुई है। यदि आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग को जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी भी यहाँ पे निकाली गई है, किसी ना किसी ब्लॉक में है आप लोग का। आप लोग जरूर आप लोग जी हाँ आप लोग देख सकते हैं, SI वर्क, JE और SI इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर की। तो ये वैकेंसियां आप लोग की पहले भी आई हुई हैं, लेकिन ये वैकेंसी आप लोग की जो है डेपुटेशन बेस पे है। यही वैकेंसी आप लोग की BSF में चल रही है। आप लोग देखेंगे सब इंस्पेक्टर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, ठीक है। इसके अनुसार आप लोग की हेड कॉन्स्टेबल की वैकेंसी है, इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, वायरमैन मैकेनिकल, यही वैकेंसी जो है आप लोग की चल रही है। इसके अलावा कोई वैकेंसी न्यू नहीं आई है आप लोग की। कॉन्स्टेबल मेसन की, कॉन्स्टेबल जनरेटर ऑपरेटर की वैकेंसी आप लोग की चल रही है। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, ये जो डेपुटेशन बेस पर जो वैकेंसी इस वक्त चल रही है, 29 जुलाई को इसका जो है नोटिस जारी किया गया था, और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से 60 दिन के, यानी कि जिस दिन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ये वैकेंसी आई थी उसके 60 दिन तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते थे। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जो आप लोग की भर्ती आई थी, ये आई थी 20 से 28 तारीख को आप लोग की जो है ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आप लोग की ये वैकेंसी आई थी। आप लोग को मैं दिखा सकता हूँ, ये देखिए 20 से 28 अगस्त में आप लोग की ये वैकेंसी आई थी पूरी। तो 60 दिन तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते थे, मीन्स 28 अगस्त से 60 दिन आप लोग के अक्टूबर 28 अक्टूबर तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है आप लोग का ऑफलाइन जो है इसमें अप्लाई होना था, वही पोस्ट जो इसमें पोस्ट है, कांस्टेबल की पोस्ट है, हेड कांस्टेबल SI की इसमें आप लोग की पोस्ट है। इसका नोटिस भी मैंने दिखाया था, यही जो है भर्ती अभी 28 अक्टूबर तक चल रही है। इसके अलावा कोई न्यू नोटिस मेरे पास नहीं है,
ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। तो ये जो चीज़ें मुझे, मेरे हिसाब से ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये जो है आप लोग की बिल्कुल वेबसाइट में किसी प्रकार की एरर है, वेबसाइट में किसी प्रकार का कोई काम चल रहा है, ठीक है। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं 28 अक्टूबर लास्ट डेट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। ये पोस्ट आप लोग की जो है ASI प्लम्बर कारपेंटर जो सिटी लाइनमैन वगैरह की ये पोस्ट है, ठीक है। तो ये वैकेंसियाँ जो हैं इसमें कुछ गड़बड़ हैं, तो अभी कोई इसमें ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा। आप लोग कितना भी ट्राई कीजिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। यदि ऑनलाइन अप्लाई हो रहा होता इसका बकायदा आप लोग को जो है रजिस्ट्रेशन जो नोटिफिकेशन जारी किया गया होता ऑनलाइन अप्लाई होता और इसकी बाहर पूरी डिटेल आप लोग को पता होती कि क्या क्या इसमें होने वाला है। ओनली रिटर्न एग्जाम और PET PST लिखने से कुछ नहीं होता। PET PST कितना होगा, PET PST कब होगा, मीन्स क्या रेस है, क्या हाइट चेस्ट, एवरीथिंग जानकारी आप लोग को नोटिफिकेशन में दी होती। तो नोटिफिकेशन यहाँ पे नहीं है, तो मीन्स इस वेबसाइट में आप लोग का कुछ भी अभी अप्लाई नहीं होगा। ये वेबसाइट में कोई किसी प्रकार का कार्य चल रहा है, यदि वैकेंसी आती है हो सकता है इसके ऊपर कुछ कार्य चल रहा हो आने वाले समय में, हो सकता है कि इसके ऊपर कुछ प्रोसेस चले, मीन्स ये ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन आ जाए या फिर इसमें डेट वगैरह उसमें जो भी प्रोसेस चल रहा होगा, तो उसकी जानकारी मैं आप लोग को आने वाले समय में दूंगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का आप लोग को नोटिफिकेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है। सिटी ट्रेड्समैन में आप लोग को जो है एक नोटिफिकेशन दिया गया है, लेकिन वो भी जो है आप लोग का ओपन नहीं हो रहा है। इसके अलावा आप लोग की जो ग्रुप सी एयर विंग के अंतर्गत जो जहाँ पे आप लोग के डॉक्यूमेंट अपलोड होने चाहिए वहाँ पे उमेश PDF है जो कि आप लोग को कोरोना वायरस के बारे में बता रहे हैं, मीन्स जी हाँ कोरोना वायरस, आप लोग मास्क पहनिए, हाथ क्लीन कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से कुछ वेबसाइट में कुछ चल रहा है, तो अभी आप लोग को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा है, वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि काफ़ी बच्चे परेशान हो गए हैं सुबह से कि सर वेबसाइट पे ऐसे आ गया, और एकदम से ऐसे वेबसाइट पे कोई नोटिस नहीं आ सकता और कोई भी ऐसी नोटिस नहीं आ सकती जो कि पुराना पहले से 24 सितंबर से आप लोग की ऑनलाइन अप्लाई चल रही थी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, विदाउट टेंशन आप लोग प्रिपरेशन में लगिए, ठीक है। यदि ये वैकेंसी आने वाले समय में आती हैं तो मैं आप लोग को इसकी पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन अभी इसमें आप लोग की कुछ भी चीज़ें यहाँ पे अभी चल नहीं रही है। मैं पूरी तरीके से इसमें देखने में लगा पड़ा हूँ, ठीक है। और ये आप लोग की जो वैकेंसी चल रही है वो मैंने आप लोग को बता दिया, डेपुटेशन बेस पे चल रही है। ग्रुप बी और ग्रुप सी ही की आप लोग की वैकेंसी है, इंजीनियरिंग कैडर और NDRF कैडर में 213 वैकेंसी है, जी हाँ इसमें भी आप लोग की 213 पूरी वैकेंसी है। तो यही आप लोग की अभी वैकेंसी चल रही है। तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर अभी आप लोग टेंशन मत लीजिए, कोई वैकेंसी अभी आप लोग के अप्लाई नहीं हो रहे हैं। यदि आने वाले समय में ऐसा कुछ होता है तो मैं आप लोग उसकी पूरी जानकारी दूंगा, बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। और जाने से पहले यही कहूंगा, यदि चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप लोग के लिए रहते हो। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।